थोड़ा टफ था आज का बाउट, तो हम लोग ने जैसे कोचेस ने प्लान किया था वैसे ही किया, हम लोगों का जैसा स्ट्रेटर्जी था वैसे ही किया, और लास्ट राउंड थोड़ा सा मैंने एग्रेसिव दिखाया और कोचेस ने जैसे बोला वैसे ही खेला बस। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আজিৰ বাউটটো অলপ টাফ আছিলে, হ'লেও যেনেকৈ কৈছিলে কোচিছে তেনেকৈ কৰিলোঁ, লাষ্টত ভাল হ'ল আৰু। मैच काफी टफ होने वाला फाइनल का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है वो देखने को मिलेगी, आपका क्या टेक है, कितनी तैयार है ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए, क्योंकि कैटलिन जो काफी अच्छा खेलती आई है, आप भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो क्या कुछ है? बॉक्सिंग में हर एक बाउट ही फाइनल जैसा होता है, तो हर एक बाउट को मैंने फाइनल जैसा ही लिया है, तो जो नेक्स्ट फाइनल है वो जरूर बहुत ज़्यादा ही टफ रहेगा, लेकिन जैसे कोचेस बोलेंगे वैसे ही हम खेलने की कोशिश करूँगी, मैं खुद का भी प्लानिंग रहेगा और वो रिंग में ही डिसाइड करूँगी कि किस तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि रिंग के ऊपर ही अलग अलग सिचुएशन आता है, तो उसको फेस करने के लिए रिंग के ऊपर ही पता चलता है। आज के बाउट में काफी बार देखा गया कि बहुत जॉस्टलिंग हो रहा था, बहुत टफ फाइट चल रहा था, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी क्या था आपका कि किस तरह से खेलेंगे, मतलब आज जो क्रूशियल मोमेंट्स में आप किस तरह से हैंडल किया आपने सिचुएशन का? बाउट थोड़ा सा टफ होगा ये तो पता ही था, और जिस तरीके से प्लान किया था कि ओपोनेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज भी करना है, तो उसी तरह से किया हम लोगों ने, थोड़ा बीच बीच में अटैकिंग भी खेला और काउंटर भी खेला मैंने, और जैसा सोचा था वैसे ही कर पाई रिंग के ऊपर। देश को फाइनल सर, अच्छा ओलंपिक के बाद ये आपका पहला बड़ा मेडल होगा, तीसरा मेडल, ओलंपिक के बाद से और अब तक ये कैसा जर्नी रहा, और मतलब ये ओलंपिक के बाद बहुत सारा अप एंड डाउन रहा मेरा, और उसके बाद क्योंकि ओलंपिक के बाद ही मेरा वेट कैटेगरी जो है ओलंपिक से हटा दिया गया था, तो उसके बाद मुझे 75 में तैयार होने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और जब मैंने 75 में खेलना शुरू किया तो शुरुआत से ही से मैंने नेशनल गेम्स खेला, फिर नेशनल चैम्पियनशिप, फिर एशियन चैम्पियनशिप, इस वेट कैटेगरी में अभी तक जितना भी कॉम्पिटिशन खेला तो अच्छा ही हो रहा है, और ये वेट कैटेगरी मेरे लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो मेरा नेचुरल वेट है इसमें अच्छा कर पाती हूँ, तो भगवान की कृपा से अभी तक सब ठीक ही हो रहा है। मैं हर बाउट को फाइनल की तरह ही सोचती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अभी यही बाउट बस फाइनल है, मुझे अपना 100% देना है, रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ कि मैं अगर रिंग में अच्छा या 100% दूंगी तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नॉर्मली जब आप 69 खेल रहे हैं तो आपका जनरली रीच ज्यादा रहता है अपोनेंट से, यहाँ पे वो जो रीच थी ज्यादा थी आपसे, तो आप जब आप देख रहे थे तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की, और पिछले कुछ टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं बदलने के लिए, थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? जब मैं 69 में खेलती थी तो जो मेरा ओपोनेंट होता था मेरे से हाइट थोड़ा सा कम होता था या फिर मेरे हाइट के ही होते थे, लेकिन अभी जो 75 वेट कैटेगरी में ज़्यादातर लड़की मेरे से हाइट में ज़्यादा है, और थोड़ा सा पावर पंच का भी मतलब पावर पंच ज़्यादा है, तो उसके साथ मेरे लिए कुछ चीज़ तो अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि मैं कम वेट कैटेगरी से आई हूँ तो फिर मेरा स्पीड में थोड़ा सा मतलब अच्छा है, और बाकी जैसे ट्रेनिंग कर रही हूँ कोचिज जैसे बता रहा है वो अच्छे से कर पा रही हूँ, तो अभी तक सब अच्छा ही चल रहा है। थर्ड राउंड के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो, बिकॉज़ फर्स्ट राउंड दोनों राउंड्स ऑब्वियसली इक्वल थे। कोचेस ने बताया था कि लास्ट राउंड है इसमें, बस इसी में डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा, बस मैंने सोचा था कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते है, बस एफर्ट लगा सकते हैं हम, तो मैंने सोचा कि मेरा जितना भी एफर्ट है मैं सब लगा दूंगी इस राउंड में, और बाकी रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा।
अब पूरे देश को उम्मीद है आपसे, गोल्डन की उम्मीद है, क्या सोच रही है? और हम लोग बधाई देते हैं गोल्डन के लिए, आप जीते और आप देख रहे हैं जब आप दर्शक दीर्घा से भी लविना लविना करके लोग कर रहे थे, आपकी सपोर्ट काफी मिला है, गोल्डन के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को थैंक यू बोलती हूँ कि सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी मीडिया वाले को भी थैंक यू बोलती हूँ, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमारे देश के लिए जितना भी हो सके मेडल लाने की कोशिश करूँगी और गोल्ड लाने की कोशिश करूँगी, और मैं अपना 100% दूँगी। आप लोग सभी मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे लिए नहीं, हमारे पूरा टीम के लिए। हम 4 फाइनल में आए हैं तो 4 ही गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आपने काफी बाउट जीते अपने लाइफ में, वर्ल्ड चैंपियंस को भी हराया, ये वाली बाउट आप कैसे फेस करेंगे क्योंकि ये डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और नई वेट भी है आपके लिए और काफी अच्छी माने काफी हाई लेवल की बॉक्सर है, सबसे आपकी बाउट कैसे देखेंगे अपने करियर में? मैं इस बाउट को भी उसी तरीके से देख रही थी, मैंने फाइनल की तरह ही, मैं किसी ओपोनेंट को इतना कमज़ोर नहीं सोचती हूँ। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा टफ थी, ओलंपिक इस बार का वो सिल्वर मेडलिस्ट थी, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर 100% दूंगी तो ज़रूर अच्छा ही होगा, और मैंने सोचा कि मुझे अपना 100% देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है बस। 2018 यही जगह थी, आप सेमीफाइनल में हार जाती है, इसको पार कर पाए, क्या कुछ फ्लैशबैक में चल रहा है 2018 का जब यहाँ पर खेली थी? आज मेडल का रंग तो बदल ही गया, एटलीस्ट बदलना चाहती थी कुछ शेयर करें। मेरा 2 बार का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज आया, ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे इस चीज़ को, कहीं ना कहीं मेरा साइकोलॉजी प्रॉब्लम है या क्या है, तो हमेशा कोशिश करती थी, मुझे लगता है भगवान मेरे साथ है, शायद इसीलिए मैं अभी इसका कलर चेंज कर पा रही हूँ। थैंक यू। अगले गेम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? पूरे टूर्नामेंट में आपने अलग अलग स्ट्रैटेजी से लड़ी है, तो क्या आपकी पूरे टूर्नामेंट से टेक बैक होगा और अगले गेम्स में आप क्या स्ट्रैटेजी से लड़ेंगे? कोचेस जैसे बताएगा वैसे ही खेलने की कोशिश करूंगी मैं, बाउट देख के ही प्लान बनाया जाएगा, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है, और सभी लोग बैठ के हम लोग प्लान बनाते हैं, वैसे ही करूंगी नेक्स्ट के लिए भी। लास्ट क्वेश्चन, कैन आई आस्क एनीथिंग? कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी था पहले राउंड में जब तुम दूर से खेल रही थी, यू एंश्योर्ड कि यू नो यू स्टे बैक एंड कैन यू टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट? थोड़ा बहुत था, मैं मेरा प्लान था कि 20 में अटैक भी करना है और काउंटर भी करना है, तो मैंने मतलब फर्स्ट राउंड थोड़ा डिफेंसिव भी खेला, फिर अटैकिंग में भी गई, तो मैंने सोचा था कि ओपोनेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखूं, और वैसे ही किया, वो सक्सेस हुआ। थैंक यू। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।